बेकरार है, बात करने को कहने दो इनको जरा। जो भी हमारे दिल जले आशिक है ना, सब लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हैं, जरा जूमिंग करके दिखाएं। कुछ कहना चाहते हो आप अपनी पब्लिक से? पब्लिक से क्या कहेंगे, आज सब काम में लगे हुए हैं। हाँ। है दैया हमारी डालोगी क्या? और भाई तो यार आज जाने अब्राहिम बन के आए धूम फोर जैसी। अब भाई अपना धूम फोर निकालने वाला है। गाइस कैसी आप लोगों की जनता, होप है सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आरके द मिस्टीरियो में। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, हमको जाना है अहराबल। तो सुबह सुबह अपने भाई लोग ने कॉल करके उठाया मुझे, मैं कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। सबसे पहले हम करके काम, हम पहले अपने भाई लोग का वेट करते हैं आगे नेहमा में। तो वहाँ से आप कुछ देखो कि आगे क्या होता है। आपको आज मैं आपको एक अलग ही लेवल का नेचर दिखाता हूँ। हमारे अहराबल का वाटरफॉल जो है, झरना जो है, वहीं जाने वाले हैं हम आज। क्योंकि यार और जो सब लोगों से कह रहा हूँ, जो भी अभी मेरी वीडियो देख रहा है, कुछ देख रहा है यार, एंड तक देखा करो यार। क्योंकि यार आप लोग दिल से सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार। जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो हम निकल चुके हैं अभी अहराबल के लिए। और यहाँ पर हमारे शाका भाई, शाका भाई ठीक हो? बढ़िया। ओ बस कुछ कहना चाहते हो आप अपनी पब्लिक से? पब्लिक से क्या कहेंगे, आज सब काम में लगे हुए हैं। हाँ। इसको देखना चाहे तो उधर मतलब जमीन पे जाएगा तो उसमें हाँ। ताप जाके उसको आनंद आएगा कोई। हाँ भाई, शाका भाई उनको कहो कि सपोर्ट करो, फुल शेयर करो वीडियो। नहीं, वो तो शेयर करेंगे लेकिन वो काम में बिजी होते हैं। हाँ। बहेंडर गई, बहेंडर गई। सबल तो आगे नेहमा में हमारे भाई लोग और वेट कर रहे हैं। ज़्यादा क्राउड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार जब ज़्यादा क्राउड होता है ना यार, फिर क्रैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा भाई लोग को नहीं बुलाया, क्योंकि यार जब आपस में हम सब मिलते हैं ना तो तूफान आ जाता है। ओ चाचा हाय दैया हमारी डालोगी क्या? बहुत तेज हो रहे हो आप, बहुत तेज हो रहे हो। और इस वाले भाई साहब ने ना उसको कॉल करके बताया, भाई उठ जल्दी निकल रहा है उनको। और मैं सोच रहा हूँ भाई ये इतनी जल्दी मुझे सुबह कॉल कैसे कर रहा है? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। वैसे रोड में बीच में यार बीच में आ रहे लोग यार, आगे गाड़ी मोड़ रहे, देख ही नहीं रहे पीछे बंदे चल रहे या नहीं। और हमको जाना है वहाँ, ठीक है, उन पहाड़ियों के पास। और आज आपको मैं एक अलग ही सीन दिखाने वाला हूँ यार। दिल को थाम के रखिए, ठीक है। और भाई तो यार आज जाने अब्राहिम बन के आए धूम फोर जैसी। अब भाई अपना धूम फोर निकालने वाला है। मैं पहुँच चुका हूँ अभी नेहमा। और आगे अब उनके भाई लोग वेट कर रहे हैं। ये रहे भाई लोग, ठीक है। ये रहे अपने भाई, ये भी वेट कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं फाइनली यहाँ पे। ओ भाई, ओ भाई, वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हुआ आज। आप कुछ तंगा नहीं, वरना नंगा कर देगा तेरे को भाई। ओ भाई कैसे एकदम से मोड़ रहे हो भाई, पीछे तो देखो, पीछे कौन चल रहा है, पीछे तो देखो पीछे। ओ बेटे आराम से नाल, आराम से नाल वीरे। कल का थॉट याद नहीं है क्या? स्लो ड्राइविंग लॉन्ग लाइफ, टू चिल्ड्रन वन वाइफ। जब भी चलो आराम से चलो, इन रोडों पे रैश राइडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यार इधर लिंक रोड रहते हैं हमारे, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ कहाँ से कौन आ जाए, समझ ही नहीं आता, ठीक है। देखो भाई अगर इंसान रेस्ट राइडिंग में आ जाए तो बंदा ना यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जैसे देख रहे हो आप। तो भाई ये रोड इन बाइक्स के लिए नहीं बने, आराम से चलो, क्योंकि यार सबका इंतज़ार घर पे माँ कर रही होती है, ठीक है। तो अब उनके भाई लोग भी थोड़ा आगे निकल चुके हैं, हम भी थोड़ा अब दवाई लेते हैं बाइक को। बस बहुत मज़ा आ रहा है यार, कितनी ठंडी हवा है, एकदम मौसम। यहाँ से लोगों ने ना बनियान पैरन सब कुछ लगाया हुआ है।
अभी तो ठंड नहीं है बट तब भी यार हमारे गांव से बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। सो अभी अपन के भाई लोग फुल मस्त में चल रहे हैं, फुल मूड में है, आज हम फुल डे एंजॉय करने वाले हैं। और जब भी मैं आता था तो जब भी आता ये जो चढ़ाई है ना यहाँ पे, यहाँ से बारिश स्टार्ट होती थी, बट आज यार मौसम काफ़ी सुहाना है यार। देखो यार व्यू, देखो यार यहाँ पे यार, यहाँ का व्यू ना अलग ही है। कुछ भी कहो यार, हमारा एरिया यार बहुत ही अलग है, ठीक है। हाँ भाई, वेलकम टू गोवा सिंगम। हम बाइक्स को पार्किंग में लगाते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और अपन के भाई लोग भी सब ने बाइक साइड में लगा रहे हैं। आजा भाई लगा ले साइड में, कहीं ज़्यादा वेट नहीं कराते आप लोगों से, चलते पहले अंदर दिखाते आपको यहाँ का सीन, यहाँ का नेचर, ठीक है। और ये अपन के भाई लोग आगे चल रहे हैं एकदम वसूली भाई की तरह। भाई ये कोई चलने का स्टाइल नहीं होता है भाई, एकदम दासू स्टाइल में, ठीक है। तो गैस हमने अभी पार्क में एंटर कर लिया और यहाँ पर कुछ खाने पीने के सामान बेचते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं यार सब। और तो आगे जाके मैं आपको झरना भी दिखाने वाला हूँ कि जो कश्मीर का माना हुआ झरना है, एरेबल वाटरफॉल कहते हैं वो आगे, ठीक है। चलो मेरे कर बांधो, ये हमारा एरेबल का फॉल इन लव विथ एरेबल। और ये जो आप हार्ट देख रहे हो या वो हमारा T20, जैसे ना मैंने अपनी पूरी लाइफ बिताई है। तो जब भी हम यहाँ पे आते थे, हम कजन से यहाँ पे आते थे, यहाँ पे रुकते थे यार, यहाँ पे बहुत ही नाइट आउट किए हम लोगों ने। तो आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, हम आपको आगे और भी चीज़ें दिखाएंगे। अभी हम अपना वाटरफॉल है वहाँ भी हम जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। चलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो वैसे आप भाई कहाँ से हो? यूपी से हो सर? तो कश्मीर में आपको कैसा फील हुआ, यहाँ पर आके आपको कैसा फील हुआ भाई? बहुत ज्यादा थोड़ा जोर से, क्योंकि यार कुछ कमी लगी आपको यहाँ पे? एक्चुअली ऐसा कुछ तो कभी नहीं लगा हम लोगों, क्योंकि ये जो वादी है ये काफी सुंदर है, ठीक है सर। और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग हर संडे को ऐसा ही कुछ प्लान करते हैं, ठीक सर, जिससे कि हम लोग को और ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। सर आप उनको आने वाने में कोई तकलीफ तो नहीं, किसी ने तंग तो नहीं किया, परेशानी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे लोग यहाँ के एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा हेल्पफुल और फ्रेंडली है, ठीक है सर। तो सर आप अपना कुछ गिटार उटार लेके हो क्या, आप गा सकते हो मेरे कैमरा के सामने पे, आप मेरे लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत गा सकते हो? ओके सर। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय को ही पे ठहरा जहाँ। बताओ मुझे क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा, खामोशियाँ आवाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशिया तेरी मेरी, खामोशिया खामोशिया निपटी हुई खामोशिया। तो अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, ठीक है। तो वैसे मुझे सिंगिंग का भी शौक है बट अब थोड़ा बंदा रिजवान है मेरा नाम, वैसे मेरे चैनल का नाम आर के दम स्टीरियो की मैं चेहरा शो नहीं करता, बट आर के दम स्टीरियो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ठीक है। तो अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आपसे मुलाकात, ठीक है। ओके सर, थैंक यू आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए, थैंक्स अ लॉट। ओके मैन, बाय, लव यू। तो अभी हम पहुंच रहे हैं झरने की ओर, और जो जो पत्थर देख रहे हैं ना, इसमें जो भी हमारे दिल जले आशिक है ना, सब लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हैं। जरा जूमिंग करके दिखा इनको, जूमिंग करके दिखा यार, जो भी हमारे आशिक लोग हैं सब लोगों ने अपने अपने नाम लिख रखे हैं, D+M, M+M, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे भाई। चलो आगे तो दिखाते हैं आप सब लोगों को झरना। तो
गाइस हम पहुंच चुके हैं झरने की ओर। आप आइए, ये जो हमारा छोटा झरना है आप देख सकते हो, और आगे झरना जो बड़ा झरना है वो आगे, हमको जाना कुछ आगे, ठीक है। और चलो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का नेचर सब। तो गाइस अभी के लिए हम पहुंच चुके हैं फाइनली झरने के पास। इसकी इतनी सीढ़ियां है, मेरी सांस फूल गई भाई। जो भी बाहर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आना चाहते हैं भाई, सबसे मस्त जगह ये अरावल, अपने अपना अरावल आप झरना देख सकते हो, और ऊपर से आती है, ऊपर से आता है ये पानी, ठीक है। आप कहाँ से, कहाँ से हो? हम लोग दिल्ली के पास मेरठ है। मेरठ से हो सर, तो बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे आके आपको कैसा फील हुआ? यहाँ पे मस्त जगह है, मजा आया। लोग कैसे लगे यहाँ के? यहाँ की सोसाइटी वोसाइटी नेचर से यहाँ का नेचर तो मतलब बेहतरीन है। किसने किसने परेशान वरेशान तो नहीं किया? नहीं, कोई परेशानी एकदम ठीक साहब। मैंने यहाँ पे आप तो आप कब से रहे हो लगभग यहाँ पे? हम तो घूमने के लिए आए थे, वन वीक हो गया। वन वीक जाने लग रहे थे यहाँ से, तो जब कार वॉश कराए ना, उस बंदे ने बोला कर अरावल गए थे। नहीं, सबसे लास्ट में अरावल आया। सबसे फेवरेट जगह तो यही क्या जो ये है, पता नहीं था ना, नेट पे कहीं रहता नहीं है जी। ये नेट पर आज मैं एक्चुअली सर मैं नेचर एक्सप्लोर हूँ, मैं व्लॉगर उससे नेचर एक्सप्लोर करता हूँ, तो आप बाहर के लोगों को ऐसी जगह दिखाता रहता हूँ। हाँ, तो ये पता नहीं था, तो कार वॉश कराए ना हमने वहाँ पर, उस बंदे ने बोला कर अरावल गए थे, नहीं तो फिर हम वापिस आए। जो भी यहाँ पे आते हैं बाहर के लोग, आप तो यार उनका इंटरव्यू देखा ही होगा। तो यार जो भी बाहर के लोग उनसे मैं यार सबसे कह रहा हूँ कि जब भी आओ पहले हमारे यहाँ पे अरावल में आओ, यहाँ का वाटरफॉल देखो, झरना देखो यहाँ का, ठीक है। तो यार आप यहाँ का सीन खुद देख सकते हो यार, यहाँ पे आके ना बंदे का दिल बैठ जाता है यार, सुकून मिलता है यहाँ पे, एक अलग ही खुशी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो यार ऐसे आप आगे आगे जुड़ते रहो, मैं आपको ऐसी जगह दिखाता रहूँगा, ऐसे नेचर आपको दिखाता रहूँगा, आप यहाँ का नेचर देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आप सबको आज की नई वीडियो? होप है सबको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आप यार मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको इसी जगह दिखाता रहूँगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। Over the edge, feel like I'm floating through.